तो जय भोलेनाथ, निकल रहे हैं बैंगलोर से गोवा के लिए। सुबह ट्रिप करी नंदीहिल्स, नंदीहिल्स से लौटे घर घुसे, देखा होगा अभी जा रहे हैं गोवा। तो यार मतलब घर से, मैं तो सो गया था घर से निकल के, और अभी जागा हूँ तो यहाँ पर एक जंगल चल रहा है। अब इधर हमें तीन चार सीआर दिख चुके हैं, आई थिंक सीआर थे वो, और बाकी रोड की कंडीशन ओके है, बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। 400 किलोमीटर तो पूरा हाईवे है, सिक्स लेन, उसके बाद लास्ट के 150 किलोमीटर है जो शायद ऐसी रोड है, इसीलिए टाइम भी दिक्कत आ रहा है इतना। हाँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जाना है 132 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 19 मिनट्स। तो अभी कुछ ऐसा सीन है, देखते हैं कैसी रहती है रोड्स। जितना भी सेक्शन है ये पूरा काफी डेंस फॉरेस्ट जैसा लग रहा है, बहुत देर से ग्रीनरी में चल रहे हैं। एक तरफ घाटी सेक्शन चल रहा है, रोड भी पूरा हिल वाला है, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। विजिबिलिटी इश्यूज भी थोड़े बहुत हो रहे हैं यहाँ पर, लाइट एकदम नहीं है, लाइट एकदम भी नहीं है, पहाड़ों में होती भी नहीं है लाइट, बट बीच में रोड थोड़ी खराब थी। तो बैंगलोर से आने वाली जनता को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर रात में तो मत आओ। हाँ हमें टाइम सेव करना था, बहुत लास्ट मिनट प्लान बना, बट एडवाइस नहीं करेंगे ऐसा। नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई और भी रूट हो, पर अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये रूट सही नहीं है। हाँ और रास्ते में कहीं पे भी हमें पुलिस का चेकिंग वगैरह भी नहीं दिखा कि पुलिस दिख गई हो, कि एक थोड़ा सा सुकून रहता है ना भाई कि सेफ है, तो वो भी नहीं है। तो भाई गोवा रहता है यहाँ से, अब करीब गोवा तो आ गए हैं यहाँ से, बेसिकली हमें जहाँ जाना है बागा के पास अंजुना रहता है यहाँ से करीब 30 मिनट का रास्ता, 18 किलोमीटर। सुबह का टाइम बज रहा है 4 ऑलमोस्ट, और अब पहुँचने वाले हैं, पहुँच के देखेंगे खाने का क्या जुगाड़ है क्या नहीं है। बहुत तेज भूख लग रही है यार। तो यार ये वो जगह है जहाँ से क्रूज वगैरह जाता है, कैसीनोज हैं, क्योंकि इंडिया में लॉ है कि आप लैंड पे जुआ नहीं खेल सकते हो, तो यहाँ पर ऐसे जुगाड़ कर रखा है। नहीं वैसे लेकिन गोवा में तो नहीं है, वहाँ पे नहीं है। कहाँ है भाई? मेन रोड पे कैसीनो खुले हुए हैं। कैसीनो नहीं है, कैसीनो नहीं है इंडिया में बैन है ना। चलो भाई तो फाइनली पहुँच गए, अब जो है हेनरी हैनमिल होम्स करके है, वहाँ पे रूम ले लिया एक, जिसमें तीनों लोग सेटल हो लेंगे। और यहाँ से अंदर पूल वगैरह भी है, पूल सुबह दिखाते हैं, आ जाओ। ये कुछ इस तरीके से एंट्री है और कई सारे रूम्स एक साथ बने हुए हैं। तो इस तरीके से करते करते हमने लिया है आरंबोल, ये हमारा आरंबोल, ऐसा कोई बड़ा सा रूम है काफी, मतलब साइज मेरे को सही लगा, तीन लोग सेटल हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेड वगैरह भी साफ है। यहाँ पे हम लोग थके हुए पहुँच गए, सामान रखते हैं। हाँ जी भाई और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ सुथरा है, ओवरऑल इट्स गुड। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज जो है मतलब सुबह सुबह उठे हैं, बस सोकर अभी अच्छी शक्ल हो रही है, और अब आए हैं मोहित बाबू, आए हैं पूल में, और अपन अब जो है मतलब थोड़ी देर काम वाम करके उसके बाद देखेंगे क्या व्यवस्था है। लड़का एकदम लगा पड़ा है, तैर के दिखाओ जरा, ये देखो 1 2 3 4। अबे निकलो तो चलें फिर, अंजुना चलें अब। तो यार फाइनली अब निकल पड़े हैं अंजुना की तरफ ब्रेकफास्ट करने, अभी उठे हैं। ये था हमारा होटल जो विच इज क्वाइट डिसेंट, काम चल रहा है, और अब देखते हैं अंजुना की तरफ कैसा रहता है मौसम के हाल। कुछ इस प्रकार कि मौसम उमस है, ठीक है, ह्यूमिड है थोड़ा, बट बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा टैनिंग टूनिंग का डर कम सा रहता है, क्योंकि गोवा आए हो, चोर की दाढ़ी में दिखता गोवा आए हो तो टैनिंग तो लेकर जाओगे। तो जब इस तरीके के घर दिखने लगे तो समझ जाओ आप गोवा में हो। रोड्स गोवा में ऑलमोस्ट हर जगह अच्छी हैं, और पतली रोड्स हैं बाकी, मतलब इतना कोई पंगा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब रोड्स हों, बारिश जितनी होती है उस हिसाब से तो कमी खराब है। और ये जो दुकान है ये जगह जगह मिलेगी, क्या बोलते हैं इसको, किंगफिशर को, राजा मछुआरा भाई मिलेगा हर जगह अपने को। खैर इससे मतलब तो है नहीं, लेमोनेड वगैरह पियेंगे कहीं पे चल के अब,
और देखते हैं कैसा रहता है रंगारंग कार्यक्रम। 2017 में आया था, तब से बहुत बदल गया है। हर जगह ये तो हर जगह मिलेंगे आपको, पब्स, कैफेज, हर जगह। यहाँ पर मेरे को याद है किसी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था वेगेटर जा रहे हैं हम, नहीं वेगेटर नहीं, अंजुना जा रहे हैं। तो भाई फाइनली जो है पहुँच गए हैं तीनों लोग और बहुत ही सुपर मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का और दिखाते हैं आगे। भाई कैश की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर कम एक्सेप्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आ रहे हो तो कैश लेकर आओ। और यहाँ से चलते हैं, वो अगर दिख रहा है तो दरिया है भाई। चैनल की नहीं, मैं जयपुर रहता था। जयपुर पाकिस्तान बॉर्डर का बना हुआ है, आपका धूमधाम चल जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो, बहुत मस्त चलेगा। अच्छा, कम से कम आपने मान लो 10 वीडियो भी डाल दिया ना उसमें, तो आपका आराम से 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर बन जाएगा। अच्छा, तो भैया क्या, भैया भी यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल का नाम है मारवाड़ी मुलाकात ब्लॉग, और उसे फिर सब्सक्राइब करें। भैया मारवाड़ से हैं, मारवाड़ियों के साथ मेरा पुराना रिश्ता है क्योंकि मैं बहुत टाइम रहा हूँ जयपुर। तो ये फाइनली आ गए हैं भाई अंजुना बीच पे। देख लेते हैं, बना दिया अभी रास्ता नहीं पता है। हाँ तो यार ये है पूरा अंजुना बीच, यहाँ म्यूजिक वगैरह फुल टाइम चल रहा है। नहीं भाई यहाँ बैठने का है बस। भाई ये तो नहीं पता भाई कितनी आवाज आ रही है कितनी नहीं आ रही है, बट इधर सी थोड़ा सा रफ है। और भाई ये कुछ नज़ारे हैं बारिश के दिनों में, जहाँ बारिश इस समय नहीं हो रही है थैंकफुली। और एंड लुक एट द स्काई, सुबह हुई थी ना, सुबह हुई थी हाँ थोड़ी देर, बट थैंकफुली अभी नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत शूट कर पा रहे हैं, देख ले रहे हैं क्या दिखा सकते हैं। और ये है भाई मॉल, द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया आई थिंक। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, देखो पहाड़ मिल गए छोटे छोटे, पानी मिल जाता है, ठीक है, जिनको चाहिए उनको शराबें मिल जाती हैं, तो हाँ। और जिसको वर्जिन मोहित तो चाहिए, एक फायदा तो हुआ है हाँ, रेत पे चलने में आसानी हो रही है हाँ, थकावट भी नहीं हो रही हाँ। बस थोड़ा सा ह्यूमिड है इस मौसम में, दैट्स ह्यूमिड तो होगा। कैटल हर बार की तरह यहाँ पर हैं, पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं। भाई देखो भाई बीरा बियर भाई सेट हो रहा है भाई, मजे में भाई 1-2-3 पियो भाई, भाई भाई पिएगा। मुझे भी छोटा सा दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, कुछ कुछ गंदगी आ रही है, बट अंजुना बागा से एनी टाइम बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है। मेरे को ये चीज अंजुना की पसंद है, वेगेटर पे भी यही है कि बहुत ज्यादा गंदा नहीं रहता है। अभी देखते हैं, बहुत हाई टाइड नहीं आती है वाली, तो इस समय तो थोड़ा सा मैंने अग्रेसिव बीच है और शायद मौसम थोड़ा बारिश का है हाँ, तो इसके चलते शायद थोड़ा और तो भाई पूरी बारिश आ चुकी है। और अब 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मोहित भाई को लगी मिर्ची। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। अब वो क्राउड नहीं रह गया है गोवा में जो पहले होता था, बट अभी भी इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब अंजुना से करते हैं रैप अप।
और देखते हैं आगे क्या देखा जा सकता है, क्या चीज़ें देखने वाली बची हुई हैं क्या नहीं है। और अंजुना का तो आ गया, सभी का हो गया है, मौसम भी ख़राब ही है।